नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं अधर अपैरल एंड एसेसरीज के इस वेबिनार में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो दो इंपॉर्टेंट कंपनी के लेटेस्ट अपडेटेड रिजल्ट जिसमें ऑलरेडी आप लोगों ने वर्षों से निवेश किया हुआ है या आप में से कई लोग सोच रहे हो, वो है टाइटन और पेज इंडस्ट्री। तो चलिए दोस्तों इन दो कंपनी के रिजल्ट अपडेट करें। दोस्तों ये सेक्टर यानी एसेसरीज मार्केट ये बना हुआ है अपैरल एसेसरीज, बैग्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स, फैशन ज्वेलरी, टाइम वेयर और आई वेयर के मार्केट से, और ये आने वाले 5 साल में 8.5 से 14% तक इसमें ग्रोथ दिखेगा। यानी भारत जो प्रकार से बढ़ रहा है ये भारत को आउट परफॉर्म कर सकता है, तो ये इंडस्ट्री को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए एक ग्रोइंग और इमर्जिंग इंडस्ट्री की तरह। दोस्तों जैसे जैसे भारत का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ता है इस प्रकार की इंडस्ट्री को और फायदे हो सकते हैं। 2 दशक पहले चाइना का कंजप्शन भारत जैसा था, लेकिन जैसे चाइना का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ते बढ़ते आज भारत से 4 गुना बढ़ चुका है, चाइनीज लोग एवरेज भारत से 5 गुना ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट करनी चाहिए क्योंकि भारत भी वही स्पीड से बढ़ रहा है। अब मेरे मन में सवाल हो सकता है कि कौन सी कंपनी, अगर अदर अपैरल और एसेसरी इंडस्ट्री बढ़ती है तो मैं कहां पे ध्यान रखूं। दोस्तों बरसों पहले जब हम लोगों को निवेश करना था इस इंडस्ट्री में उस समय भी हमें टाइटन, पेज, वीआईपी अच्छी लगी। दोस्तों आज जब हम ये पूरा चार्ट देख रहे हैं आज का चित्र भी क्या कहता है, दोस्तों सारी इंडस्ट्री मिला ले तो भी टाइटन, राजेश और पेज ये 3 कंपनी के प्रॉफिट पूरी इंडस्ट्री के 65% प्रॉफिट से ज्यादा है। यानी ये 3 कंपनी का प्रॉफिट एक तरफ, बाकी सब खिलाड़ी मिलके एक तरफ। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंपनियां टर्नओवर बहुत बढ़िया करना जानती है, इनके एक्सपांशन प्लान एग्रेसिव रहते हैं। दोस्तों ये कम डेप से धंधा करना जानती है, इनके मार्जिन बड़े होते हैं जिससे ये एक्सपांड अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों यही कंपनियां जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती है बड़ी बन जाती है, और जब भी खराब समय आता है तो कम डेप्ट होने की वजह से इनको प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, बाकी दूसरी कंपनियों को डेप्ट बर्डन होने की वजह से प्रॉब्लम में आ जाती है जब कभी धंधे बिगड़ते हैं। तो जब धंधे बिगड़ते हैं इन्हीं कंपनियों को या बढ़िया कंपनियां खरीद के दोनों प्रकार से ग्रोथ करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, और हम देखते हैं कि 2-3 दशक में कुछ कंपनियां बहुत बड़ी बन गई। तो दोस्तों मेरे हिसाब से हमें टाइटन, पेज, वीआईपी जैसी कंपनियों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब पेज इंडस्ट्री जिसका भाव अभी ऑलमोस्ट 23,000 जितना चल रहा है, जस्ट अभी कुछ समय पहले ये 18,000 के नीचे आया था, लोग घबराए हुए थे। दोस्तों उस समय भी हमने आपको रिकमेंड किया था यस वी नीड टू बाय। ये पेज के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैं बता दूं आपको, जो भी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए ये यू नीड टू सब्सक्राइब चैनल, नोटिफिकेशन यानी बेल का आइकॉन दबाइएगा ताकि ये सारे रिजल्ट का अपडेट आपको रेगुलरली मिलता जाए, राइट फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों हम पेज इंडस्ट्री के बारे में चर्चा। दोस्तों इनका पेज इंडस्ट्री का टैगलाइन है जॉकी और नथिंग, और वो सही है अपने टैगलाइन में क्योंकि इन्होंने 1876 में डंका बजा के रखा है दुनिया भर में। दोस्तों पेज इंडस्ट्री को लाइसेंस है जॉकी इंटरनेशनल और स्पीडो का धंधा करने के लिए भारत और श्रीलंका में। दोस्तों ये अपनी इंडस्ट्री में बेस्ट है, इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट खाली 130 करोड़ और 17 करोड़ था 2007 में। आज इनका धंधा बढ़ते बढ़ते ये लोग पहुंच चुके हैं 2573 करोड़ और 345 करोड़ के धंधे और प्रॉफिट तक। यानी दोस्तों इनका धंधा और प्रॉफिट पिछले 1 दशक में खाली 20 गुना बढ़ा है। इसीलिए निवेशक जिन्होंने निवेश किया
उन अगर किसी ने 1 लाख लगाया होता 10 साल पहले, तो आज वैल्यूएशन ऑलरेडी 1 करोड़ है सिर्फ पिछले 11 सालों में। यानी अगर आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी है जो 100 गुना बढ़े, तो आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी होगी जो अपना धंधा 20 गुना बढ़ा सके। कम डेप से होगी तो उनके प्रॉफिट भी 20 गुने बढ़ेंगे। तो मल्टी बैगर वेल्थ क्रिएटर कैसे ढूंढे जाते हैं? ऐसी कंपनी ढूंढने पे जो धंधा और प्रॉफिट को बढ़ा सके। दोस्तों ये पूरा इनका इतना बरसों का चार्ट है, आप देख सकते हो 2007 में ये सिर्फ अराउंड 150 करोड़ का धंधा करते थे, आज 3,000 करोड़ के बिजनेस तक पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट 17 करोड़ का था, आज ऑलमोस्ट 400 करोड़ के प्रॉफिट तक पहुंच चुके हैं। सिंस इंसेप्शन इनके मार्जिन, सिंस सॉरी आईपीओ, इनके मार्जिन 12 से 14% का, सॉरी 11 से 14% का एक अच्छा मार्जिन बनाए रखे है। दोस्तों अगर हम इनिशियल फेज पे हमने इन्वेस्ट किया होता तो 2007 में इसका भाव अंदाजित 250 से 500 रुपये के बीच में चल रहा था। दोस्तों अगर मैं इस समय खरीदता तो उस समय की उसकी अर्निंग थी 43, यानी मुझे अंदाजित 8 से 9% यील्ड मिलता। यील्ड यानी अर्निंग मेरे हिस्से की, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट 17 करोड़ सबका है, पर मैंने अगर एक शेयर खरीदा है तो मेरी अर्निंग हुई ऑलमोस्ट 43 रुपीज की। दोस्तों इसी अर्निंग में से यह कंपनी अंदाजित 50% डिविडेंड हर साल डिस्ट्रीब्यूट करती है, यानी साल में 3 बार कंपनी डिविडेंड देती है। तो 43 में से मुझे 24 से 25 रुपए का डिविडेंड इस साल मिला होता। और आप देख सकते हो पिछले 11 साल में 12 साल में हर साल यानी कंसिस्टेंट मुझे अर्निंग मिली है, एक भी साल मेरा अर्निंग नेगेटिव नहीं आया है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंट कैश फ्लो वाली कंपनी। अगर मैंने उस समय पैसा लगाया होता तो आज मेरी अर्निंग 43 से बढ़ के 350 बढ़ चुकी है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट 20 करोड़ से 400 करोड़ बढ़ चुका है। दोस्तों यही अर्निंग 43 से 353 का ये मतलब है कि आज मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पे 73% सालाना मिल रहा है। दोस्तों ये 73% मुझे और कहां पे मिलता? इसलिए मिल रहा है क्योंकि इस कंपनी पे डेब्ट कम है, मार्जिन अच्छे हैं, ये कंपनी को पता है दोस्तों ग्रोथ कैसे करना। दोस्तों ये कंपनी, मैं आशा रखता हूं आने वाले समय में ये 3,000 करोड़ के धंधे को पार करेगी इस साल। दोस्तों 2030 में यह कंपनी 21,000 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंचेगी, तो आप प्रॉफिट भी अंदाज लगा सकते हो, बढ़िया रहेंगे। मेरा टारगेट, मैं 1,30,000 का इसके भाव का मान सकता हूं। दोस्तों मुझे 18,000 के आसपास अगर मैं खरीदूं तो ये सस्ता भाव नहीं है, एवरेज भाव होगा। 18 से ऊपर इसका भाव हम महंगा गिनेंगे। राइट फ्रेंड्स, डिस्क्लोजर में बता दूं आपको कि पेज इंडस्ट्री जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको ये लेनी है, हमने बताया इसलिए। दोस्तों आपको खुद इसका थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, या अपने एडवाइजर से आप बात कर सकते हो बाय करने से पहले। राइट, करंट ईयर दोस्तों, इस साल हमने देखा कि धंधा थोड़ा मंदा है, लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म बढ़िया ग्रोथ से बढ़ी है। करंट ईयर अगर हम देखें तो इनका धंधा म्यूटेड है, यानी 6% का रेवेन्यू ग्रोथ और 4% से प्रॉफिट बढ़े हैं। दोस्तों यही वो समय होता है जब इनके इनका इतिहास कहता है कि इनको आता है 20% से कैसे बढ़ना, पर अभी 6% इसलिए क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी ग्लोबल टर्न अराउंड देखा है, तो भारत में भी मंदी की असर है। ये मंदी में ये अभी भी 6% का धंधा बनाए रखे हैं। दोस्तों अच्छी कंपनियों की यही खूबी होती है, खराब समय में भी ये धंधे को बरकरार रखते हैं। अगर दोस्तों इनपे बहुत डेब्ट होती तो जब धंधा म्यूटेड हुआ यह कंपनी लॉस में आ सकती थी। इसीलिए दोस्तों हमें अच्छे मार्जिन की कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए। अच्छे मार्जिन होने की वजह से इनके प्रॉफिट अभी भी बरकरार है, 4% से बड़े हैं। दोस्तों यस, इनके मार्जिन पिछले साल 14.2 के मुकाबले 13.9% हुए हैं, यानी 3% से मार्जिन घटा है। राइट,
म्यूटेड ग्रोथ है, लेकिन फिर भी ये जो ग्रोथ है जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे अच्छा है दोस्तों। एक्सपेक्टेशन खराब थे इसी वजह से ऑलरेडी शेयर आपका टूटा हुआ है दोस्तों। लॉन्ग टर्म ग्रोथ 25% का है जो बहुत बढ़िया है दोस्तों। आने वाले समय में जो भारतीयों की इनकम बढ़ेगी वो इस प्रकार की कंपनियों को बूस्ट दे सकती है राइट। लोअर रिजल्ट की वजह से हमने ऑलरेडी इसको 36,000 से अब तक टूटता हुआ देखा, इसीलिए दोस्तों नया बाइंग बनता है 19,000 से 17,000 की रेंज में राइट। ये हमने ऑलरेडी रिकमेंड किया था आपको पिछले क्वार्टर। हम 34,000 का टारगेट आने वाले 2-3 साल में देख सकते हैं और यस ये मल्टी ईयर रैली कर सकता है, क्योंकि भारत अगर अभी 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की ओर बढ़ता है तो इन प्रकार की कंपनियों के टर्नओवर भी अच्छे बढ़ सकते हैं दोस्तों। करंट कॉस्ट के हिसाब से ये भाव पे यील्ड खाली 1.5% बनती है, तो फॉल में बाय करें ताकि यील्ड अच्छी मिले। जितने कम दाम पे ले सकेंगे अच्छी कंपनी हमें अच्छे यील्ड पे मिलेगी दोस्तों। यह एक डेप्ट फ्री कंपनी है, बढ़िया आरओई है, बढ़िया मार्जिन है और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर यस यह वेल्थ क्रिएटर है दोस्तों। डिकेड बैक भी हमने यही कहा था, आज भी हमें यह कंपनी वेल्थ क्रिएटर लगती है। 75% इन्वेस्टमेंट हमारा वापस आ सकता है सिर्फ डिविडेंड में आने वाले दशक में, क्योंकि यह कंपनी 50% प्रॉफिट तो डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट करती है साल में 3 बार दोस्तों। इसीलिए 38% होल्डिंग इसमें ऑलरेडी एफपीआई बना के बैठे हैं। तो दोस्तों टाइटन के साथ पेज इंडस्ट्री के बाद चलिए अब हम नजर लगाते हैं टाइटन इंडस्ट्री के ऊपर। ये दो कंपनी फोकस करने लायक है इस इंडस्ट्री में राइट फ्रेंड्स। तो टाइटन इंडस्ट्री जिसका भाव ऑलमोस्ट 1200 जितना चल रहा है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है अपैरल और एसेसरीज में दोस्तों। आप देख सकते हो 1984 में इसका जन्म हुआ था, 1987 में टाइटन, 1992 टाइमेक्स के साथ जेवी हुआ, 1996 तनिष्क का जन्म हुआ, तनिष्क आई इनके साथ, सोनाटा 1998 में लॉन्च हुई, फास्ट ट्रैक जो कि आज इनको अच्छा टर्नओवर दे रही है ये इन्होंने 2003 में स्टार्ट किया। उसके बाद 2007 में टाइटन आई प्लस में आई, जोया, हेलियोस, मिया, गोल्ड प्लस, अभी इन्होंने 2016 में कैरेट लाइन करके और एक रेंज लॉन्च की है जो इनके टर्नओवर को बूम दे सकती है। परफ्यूम्स में ये लोग 2013 में आए, तनेरिया 2017 में, यानी कंसिस्टेंटली कंपनी ग्रोथ करती जा रही है। पिछले 10 साल का अगर हम ग्रोथ देखें दोस्तों तो ज्वेलरी ने इस कंपनी को जबरदस्त बूम दिया। ओवरऑल कंपनी के ग्रोथ में ज्वेलरी का अब तक बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। हमने पहले सुना था कि टाइटन एक घड़ी की कंपनी थी जैसा हमने यहां पे देखा। अगर ये लोग ज्वेलरी में डाइवर्सिफाई नहीं हुए होते तो आज इनका धंधा क्या होता दोस्तों। यही दूरदर्शी इंडस्ट्री को देखनी चाहिए। और अगर हमारे पास ऐसा सोचने वाली कंपनी है जो समय के साथ बदल सकती है तो यह कंपनी वेल्थ क्रिएट जरूर कर सकती है दोस्तों। जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो कंपनियां खो जाती है। आपको ऑलरेडी पता है कई पुरानी कैमरा की कंपनियां, मोबाइल की कंपनियां जो समय के साथ नहीं बदली वो फेंक चुकी है। आज भी 82% रेवेन्यू दोस्तों इनको अभी ज्वेलरी से आने लगा है और वॉच आप देख सकते हो अब एक छोटा सा हिस्सा रह गया है राइट दोस्तों। ज्वेलरी डिवीजन में एक्चुअल देखे तो जो पत्ते फेंके गए वो इनको अनुरूप नहीं थे, इनका धंधा बिगाड़ सकते थे। आप देख सकते हो कई रेगुलेटरी चेंजेस आए, गोल्ड ज्वेलरी पे जो ईएमआई था वो सस्पेंड हुआ था दोस्तों। बड़ा झटका इनको लगा 2016 में जब पान कार्ड मैंडेटरी हो गया 2 लाख से बड़े ट्रांजेक्शंस के ऊपर, ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये चीज की गई थी। तो दोस्तों एक्चुअली इनका धंधा घटना चाहिए था राइट। ओवरऑल रेवेन्यू घटा भी था, आप देख सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हें तभी आया डीमोनेटाइजेशन में, सब लोग जब कह रहे थे कि ज्वेलरी बिजनेस
बंद हो जाएगा, ज्वेलरी बिजनेस आउट ऑफ मार्केट हो जाएगा, तो दोस्तों डीमोनेटाइजेशन के बाद आप देखो तो इनका धंधा तो उल्टा डीमोनेटाइजेशन के बाद बढ़ा है। आपको ध्यान हो तो डीमोनेटाइजेशन के समय भी हमने कहा था कि प्रीमियम ब्रांड ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होगा उसको और लाभ होंगे डीमोनेटाइजेशन से, राइट। तो डीमोनेटाइजेशन, कैश लिमिट 2 लाख की, जीएसटी, बैंकिंग स्कैम, ये सब आया। जीएसटी रोल आउट हुआ उसके बावजूद कंपनी का धंधा जबरदस्त बढ़ा। तो दोस्तों क्या कारण रहे, इन्होंने ऐसा क्या किया? दोस्तों वेडिंग कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो 14% का इसको 2015 में इनका था। दोस्तों इन्होंने बहुत फोकस किया वेडिंग की रिलेटेड मार्केट में प्रोडक्ट लाने का, और आज इसका कंट्रीब्यूशन 21% हो चुका है। दोस्तों हाई वैल्यू प्रोडक्ट जो 7% देती थी, आज 10% देने लगी है। दोस्तों जीएचएस गोल्ड का कंट्रीब्यूशन, जीएचएस स्कीम थी ना इनकी, उसका कंट्रीब्यूशन 27% था, राइट। अब ये रेगुलेटरी चेंजेस जो हुए हैं जीएचएस स्कीम पे, तो इनका धंधा उस समय 5% गिरा, आज देखो 19% आया। तो पहले तो इनकी पूरी डिपेंडेंसी इनके इसके ऊपर थी, राइट। गोल्ड एक्सचेंज वही के वही है। इन्होंने बहुत एग्रेसिव हुए तनिष्क के स्टोर में, इनके तनिष्क के स्टोर 193 थे दोस्तों 2015 में, खराबी आने के बावजूद इन्होंने अपने स्टोर कंटिन्यू बढ़ाया है, एग्रेसिव रहे। देखो 289 स्टोर किए जिससे इनके बिजनेस को कोई इफेक्ट नहीं आई। दोस्तों एग्रेसिव स्टोर एक्सपांशन किया। पी फंडिंग इजियर थी उस समय बाकी कंपटीटर को भी, और इसीलिए बाकी के जो इनके पीयर थे वो आईपीओ प्लान कर रहे थे। पर दोस्तों ये सारे जो प्रॉब्लम आए इस इंडस्ट्री में, क्रेडिट स्क्वीज हो गया इस इंडस्ट्री का, और जो कंपनियां सोच रही थी आईपीओ लेके आने की, उन्होंने अब तक आईपीओ लॉन्च नहीं किए है। स्लो डाउन हुआ स्टोर ओपनिंग में कंपिटिटरों का भी। दोस्तों मिडल ईस्ट में 5% वैट इंपोज हुआ, कुछ छोटी साइज के ज्वेलर बैंकक्रप्ट हो गए। हमारे शहर के कुछ ज्वेलर भी यही कक्षा में आए, ये आपको भी पता होगा दोस्तों। पर ये लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, धंधा बढ़ाते गए, इसके कारण हमने ऑलरेडी यहां पे दिए हुए। दोस्तों यही खूबी होती है अच्छी कंपनी की। आप देख सकते हो 2002 में इनका धंधा 7000 करोड़ था, जो आज बढ़ते बढ़ते हो चुका है, सॉरी 700 करोड़ का था, और 13 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, ये मिलियन में आंकड़े हैं। दोस्तों आज धंधा बढ़ते बढ़ते 20000 करोड़ पहुंचा है, और 13 करोड़ का प्रॉफिट 130 नहीं पर 1300 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी 100x प्रॉफिट इनका बढ़ा है। अगेन मैं कहता हूं 20 साल, देखो आपने पेज देखा जिसका धंधा 20x बढ़ा सिर्फ 10 साल में, इनका धंधा इनका प्रॉफिट 100 गुना बढ़ा 2 दशक में। दोस्तों इसी वजह से इस कंपनी ने जबरदस्त प्रॉफिट करके दिया। मैं अगर 2 दशक पहले इन्वेस्ट करता, ये समय मैंने भी इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन उस समय का भाव 63 to 23 की रेंज में था। ये एक्स बोनस स्प्लिट नहीं है, एक्चुअल भाव है। 63 to 23 की रेंज के हिसाब से मेरी अर्निंग उस समय सिर्फ 3% की थी। अब 3% मुझे खाली मिलता, मैं सोच सकता था यार 3% में क्या लेना देना, 9% तो उस समय एफडी देती थी। लेकिन दोस्तों एफडी स्टैटिक है, ये डायनेमिक है, इसके टर्नओवर बढ़ते हैं, इसके प्रॉफिट बढ़ते हैं, यह मुझे 30% डिविडेंड देती थी। दोस्तों मैंने टाइटन खरीदा 2009-10 के आसपास, जब मैंने बढ़िया इसका ग्रोथ देखा था पिछले समय का। मैंने दोस्तों एस्टिमेट किया कि ये 2020 में मुझे अच्छा कमा के देगी, और आप देख सकते हो 2010 से 20 देखे तो भी इनका धंधा 5000 से 20000 करोड़ पहुंचा, 250 करोड़ का प्रॉफिट 1300 करोड़ पहुंच चुका है। दोस्तों यील्ड इनकी खाली 3% थी, आज हम देखे तो 300% की यील्ड हुई है जिन्होंने 2 दशक पहले इन्वेस्ट किया। यानी अगर मैंने लाख रुपया लगाया,
आज मुझे ये हर साल 3 लाख रुपए की अर्निंग दे रही है, कंसिस्टेंटली मुझे इसने अर्निंग दी है, कंसिस्टेंटली मेरे बैंक में डिविडेंड की एंट्री पड़ी है। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, हमें कंसिस्टेंट कंपनी देखनी चाहिए, ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए जो कंसिस्टेंट हो प्रॉफिट में, वही कंपनी आपको कंसिस्टेंट इनकम दे सकती है। आपने बाकी 100 कंपनियां देखी इसी सेक्टर की जो कंसिस्टेंट नहीं थी, दोस्तों आने वाले समय में भी वो कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, तो क्यों टाइम बिगाड़े दोस्तों उनके पास। दोस्तों मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 2030 आते आते यह कंपनी अंदाजित 1.5 लाख करोड़ के टर्नओवर को पार करेगी, और यह कंपनी जो आज 1300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, मेरे हिसाब से 10,000 करोड़ का एक लैंडमार्क पार करेगी। दोस्तों आज का साल टाइटन के लिए लैंडमार्क रहना चाहिए, क्योंकि पहली बार टाइटन इस साल 20,000 करोड़ के टर्नओवर को पार करने वाली है दोस्तों, राइट। तो टाइटन बढ़िया वेल्थ क्रिएट करके दी, हमने देखा 1 लाख रुपया लगाया, 2 करोड़ ऑलरेडी मेरा वैल्यू हो चुका है, 6 लाख रुपया मुझे डिविडेंड में मिल चुका है। वेल्थ इज अट्रैक्टेड टू ग्रोथ एंड क्वालिटी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि मुझे वेल्थ क्रिएटर चाहिए, ऐसी कंपनी ढूंढो जिसका धंधा ऐसा बढ़े, 30x धंधा बढ़ा 20 साल में, 100 गुना प्रॉफिट बढ़ा, तो आपको 200 गुना आपकी वेल्थ बढ़ी, राइट। तो 200 गुना बढ़ने वाली कंपनी के लिए आपको अगर वेल्थ बनानी है तो आपको कैसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो प्रॉफिट और धंधे को इस प्रकार से बढ़ा सके। ये इनकंसिस्टेंट कंपनियों में आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे दोस्तों, राइट। तो H1 रिजल्ट अभी के क्या है दोस्तों, H1 के रिजल्ट इनके भी अफेक्ट हुए हैं स्लो डाउन से। दोस्तों वॉलेटाइल गोल्ड प्राइस था जिसने इसके H1 रिजल्ट को इंपैक्ट किया है। H1 के धंधे खाली 9% से बढ़े हैं और इसीलिए प्रॉफिट सिर्फ 7% से बढ़ा है। आपके अनुमान के हिसाब से आधा प्रॉफिट इन आधा ग्रोथ इनका आया है। तो दोस्तों अनुमान से कम धंधे, अनुमान से कम प्रॉफिट। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, अगर इनके धंधे और प्रॉफिट ऐसे हैं तो बाकी गांव के कैसे होंगे? वो कंपनियां जो कम मार्जिन पे चल रही है वो लॉस मेकिंग हो चुकी होगी। दोस्तों बढ़िया में बने रहेंगे तो कंसिस्टेंसी मिलेगी। दोस्तों इनके सारे सेगमेंट ज्वेलरी, वॉचिज और आईवेयर ने ग्रोथ किया है, 6%, 20%, 30% रिस्पेक्टिवली। न्यू जो लॉन्च इन्होंने किया था फ्रेग्रेंस का सेगमेंट सारिस, ये 40% से बढ़ रहा है। दोस्तों 1668 स्टोर ऑलरेडी खोल चुके हैं इन्होंने, H1 में दूसरे 74 स्टोर और ऐड किए। दोस्तों रिटेल सेगमेंट जबरदस्त ग्रोथ हो रहा है, स्टोर के साथ इनका फुल फोकस है ऑनलाइन पे, इन्होंने ऑनलाइन भी बढ़िया ग्रोथ किया और आज इनके टर्नओवर में 10% ऑनलाइन का भी योगदान है। सो दे आर ग्रोइंग ब्रॉडली माय डियर फ्रेंड्स। ज्वेलरी का डिवीजन इनका 5 साल का एम्बिशन है कि ये 2017 का बेस रख के हुए आने वाले 5 साल में 2.5 गुना अपने धंधे को बढ़ाएंगे। तो दोस्तों हमें तो यही चाहिए, आप धंधा बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ने वाला है साथ में, क्योंकि आपके ऊपर डेब्ट नहीं है तो हम इन्वेस्टर का पैसा तो पड़ेगा। दोस्तों 20% CAGR 2018 में बढ़ा था, अभी स्लो डाउन है पर फिर भी इनका मार्केट शेयर 10% का बरकरार है। दोस्तों इन्होंने एक बढ़िया टारगेट रखा है कि सेम स्टोर जो है इनके, यानी 1700 के करीब जो स्टोर ऑलरेडी है वो भी 14-15% से बढ़ने चाहिए और 20% आने वाले समय में इनका ग्रोथ रहना चाहिए। दोस्तों वॉच डिवीजन ट्रेंड कैसा है इनका पिछले समय का, दोस्तों वॉच डिवीजन 10-12% से 13 में बढ़ी, 14 में 11, 15 में 11, 16 में आपने देखा इनका धंधा और प्रॉफिट 2 से 9%, यानी स्लो डाउन था वॉच का, वॉच का इनका शेयर घटता जा रहा था।
इन्होंने रिपक्राफ्ट की अपनी स्ट्रेटेजी को, डिजाइन, कॉस्ट और स्मार्ट वॉच और स्मार्ट वेरेबल। आजकल सब लोग अपने हाथ में ये पहन के घूम रहे हैं, राइट, मैं कितना चला। दोस्तों ये लोग भी इन प्रोडक्ट में आए, ई कॉमर्स पे फोकस किया और देखो इनका भी धंधा जंप हुआ, प्रॉफिट में जंप मिला। तो ग्रोथ फेज में क्या ये अगेन आ जाएंगे? इस साल 15% से इनका धंधा बढ़ा है, तो यस मैं मानूंगा ये ग्रोथ में अगेन आ चुके हैं। आने वाले समय में घड़िया यानी समय तो मोबाइल से देखा जा सकता है, पर अगेन वॉच की, डिजाइनर वॉच की, ई स्मार्ट वॉच की एक फैशन आ सकती है जिसका पूरा फायदा टाइटन उठा सकता है। दोस्तों आईवेयर डिवीजन देखे तो इनका प्रॉफिट बढ़िया बढ़ रहा था। दोस्तों लो ग्रोथ रहा 2016 से 18 में, 18 में तो इन्होंने बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं किया, लेकिन 19 में वापस ये ग्रोथ पे आ चुके हैं क्या? दोस्तों इन्होंने कई ग्रोथ के लिए इनिशिएटिव लिए, ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, एनपीएस स्कोर, राइट सेलिंग प्राइस और वैल्यू का इक्वेशन उन्होंने सही किया, यानी लोग पैसा खर्चे तो उनको वैल्यू मिलनी चाहिए। सेटअप ऑफ सैटेलाइट लेंस, फ्रेम का खुद ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, इसी वजह से दोस्तों FY20 में अब तक 29% का ग्रोथ हम देख चुके हैं प्रॉफिट में, राइट। फ्रेग्रेंसेस टॉप लाइन, दोस्तों ये नया धंधा है, छोटा धंधा है, यस, लेकिन छोटा मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं बढ़ेगा, ये छोटा है, पर इस बार 120 करोड़ का इन्होंने टॉप लाइन क्रॉस किया है। दोस्तों अराउंड 10 लाख पीस इन्होंने 2019 में बेचे। दोस्तों आने वाले समय में इस प्रकार की प्रोडक्ट के बिजनेस अच्छे बढ़ेंगे। स्किन डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इनकी स्किन ऑलरेडी 33 आउटलेट में बिकने लगी है पिछले 3 साल से। दोस्तों दे आर ऑलरेडी अच्छे लार्ज फॉर्मेट के स्टोर में अच्छा कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ रही है। नई प्रोडक्ट डिओड्रेंट और बॉडी मिस्ट ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो फ्रेंड ग्रेंस गोइंग गुड। दोस्तों टनेरिया एक नया प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया जो ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। 2017 में इन्होंने लॉन्च किया, 2 स्टोर बेंगलोर में खोले थे। क्या थीम है? स्पेशल ओकेशन एथनिक वेयर फॉर वुमेन। दोस्तों आने वाले समय में बता दू, आने वाले 10 साल में हम वुमेन्स को देखेंगे, ये इंडिपेंडेंट होगी, इनकी इनकम ये खुद अच्छी कमा रही होगी। दोस्तों ये सेक्टर बढ़िया आने वाले समय में बढ़ सकता है। दोस्तों इन्होंने 2 स्टोर से शुरुआत की थी, ये मार्केट 40,000 करोड़ का ऑलरेडी इंडिया में है। इसमें कंपटीशन में बिग रीजनल प्लेयर है पर कोई बड़ा नेशनल प्लेयर नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिया में एक ही रूफ में इनको ऑथेंटिसिटी मिले। स्टोर फॉर्मेट इनका है, यूनिक है, नॉन ट्रेडिशनल है, कस्टमर फ्रेंडली है। यहां बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कस्टमर के फीडबैक यहां पॉजिटिव मिले हैं, जिससे ये 2010 में और 10 स्टोर खोलने वाले हैं। दोस्तों एक नया वर्टिकल इन्होंने और स्टार्ट किया है जिसमें आता है वॉलेट, बैग, बेल्ट और कई एसेसरीज। ये सारी चीजें दोस्तों अब तक वॉचेस के डिवीजन में थी, पर ये सब सेक्टर में जबरदस्त ग्रोथ देखते हुए इन्होंने चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नए अपॉइंट किए और उनका पूरा फोकस रहेगा इस बिजनेस को बढ़ाने में भी। इवन इंडिया और आउटसाइड इंडिया ये लोग अपने बिजनेस को ले जाएंगे। दोस्तों डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन भी ये जबरदस्त प्रोग्रेस में है। ऑल ब्रांड साइट्स आज ई कॉमर्स एनेबल्ड इनकी हो चुकी है। ऑनलाइन आप देख सकते हो 20 से 40 लाख विजिटर हर महीना ये लोग लाने में कामयाब हुए। दोस्तों वेबसाइट के जरिए भी ये 20,000 कस्टमर लीड रिटेल स्टोर पे पहुंचाने में कामयाब हुए। ओमनी लॉन्च किया Q2 में बेंगलोर सिटी में, ये ओमनी ऑलरेडी सक्सेसफुल है, जिसे ये मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और हैदराबाद में Q3 यानी यस आज जो Q3 में हम बात कर रहे हैं लॉन्च कर देंगे। फ्रेंड्स बेस ये बहुत अच्छा बढ़ाते जा रहे, ऑलरेडी 10% रेवेन्यू ऑनलाइन आने लगा है, राइट।
टाइटन इंजीनियरिंग ऑन ऑटोमेशन एक छोटी सी इनकी सब्सिडरी है, लेकिन इसे देखना चाहिए, जिनका काम है ऑटोमेशन सॉल्यूशन पे और एरोस्पेस और डिफेंस पे। दोस्तों ये टर्न की असेंबली और टेस्टिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, एनर्जी में, लाइफ साइंस, इंजीनियरिंग और सीपीजी में। दोस्तों इनका भी आज हम माने कि धंधा बहुत छोटा है, लेकिन यस ये बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। कैरेट लाइन इंडियास नंबर वन बॉन्ड डिजिटल ओमनी चैनल ज्वेलरी प्लेयर। दोस्तों बढ़िया ग्रोथ किया है इन लोगों ने, 62% स्टेक 2016 में 350 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ इन्होंने कैरेट लाइन में अपना स्टेक किया। अभी कैरेट टाइटन का कैरेट लाइन में स्टेक 72% हो चुका है और प्राइमरी स्टेक इनका अभी बन चुका है। दोस्तों रैपिड नेटवर्क एक्सपांशन यानी 71 स्टोर ऑलरेडी बन चुके हैं, बढ़िया रेवेन्यू आ रहा है इस साल 67%। ये मंदी में भी इनका धंधा बड़ा है। ये दोस्तों H2 2020 प्रॉफिट में आ जाएंगे इतना खर्चा और एक्सपांशन करने के बावजूद। फेवर ल्यूबा दोस्तों ये स्विस की एक सबसे पुरानी ब्रांड है, सेकंड ओल्डेस्ट ब्रांड इसे कह सकते हैं हम स्विस की। दोस्तों जिसकी खुद की एक फैसिनेटिंग और बढ़िया हिस्ट्री है, एक लेगेसी इस कंपनी की है। दोस्तों 2012 में टाइटन ने यह कंपनी भी खरीदी और इस ब्रांड को इन्होंने कमबैक किया, कॉमर्शियल लॉन्च किया 2016 में। दोस्तों वॉचेस आज इस कंपनी की स्विट्जरलैंड, जापान, हांगकांग, ताइवान, यूएई और इंडिया में बिकने लगी है दोस्तों, राइट। आने वाले समय में यह ब्रांड को भी हम बढ़ता हुआ भारत में ही नहीं दुनिया भर में देखेंगे। दोस्तों आप में से कई लोग ऑलरेडी 100 रुपए से लेके बैठे हो आज, जब कंपनी का प्रॉफिट 250 करोड़ था। देखा आज इस कंपनी का प्रॉफिट इतना बढ़ चुका है, उसके बीच अगर मैं आपकी पूरी ये यात्रा देखूं तो कितनी बार यह कंपनी का शेयर 40% भी तो गिरा है, पर आप घबरा के बेच दिया होता तो आज ये वेल्थ क्रिएट होती। तो दोस्तों रोज भाव नहीं देखने के, ये रोज भाव देखने वाली आदत ही आपको वेल्थ क्रिएशन से दूर रखती है। दोस्तों आज वही आपका 100 रुपए वाला शेयर 800 पहुंच चुका है। दोस्तों 250 करोड़ वाली कंपनी 1200 करोड़ बन चुकी है। हमारा टारगेट ऑलरेडी 95% पोटेंशियल सीट के हिसाब से 1000 रुपया था, 1100 से 1100 आज ऑलरेडी ये आ चुका है, 1165 तो ये ऑलरेडी इसने रैली किया। तो प्रॉफिट बुकिंग यहां पे रिकमेंड किया गया था 10-15%। तो दोस्तों 10-15% प्रॉफिट बुक कर सकते, कभी भी पूरा शेयर नहीं बेच देने का। दोस्तों बढ़िया कंपनी है, पर खरीदने की कब, रैली में नहीं, लोगों के टारगेट पे मत खरीदो। फॉल हर कंपनी में आते हैं, फॉल के समय खरीद सकते हैं इस कंपनी को। दोस्तों बाइंग कर सकते हैं हम कब, अभी नहीं, ये भाव पे बाय करेंगे सिर्फ 2% यील्ड मिलती है। दोस्तों टूटने दो इसको, जितना टूटते हुए भाव में बाय करेंगे ये यील्ड बढ़ती जाएगी। दोस्तों हम बाय कर सकते हैं 900 के आसपास, फिर इस कंपनी को अगर हम 900 या 900 के नीचे बाय करके भूल सकते हैं एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर की तरह, क्योंकि मैं ये कंपनी नहीं तो फिर कौन से बाय करूंगा यार अदर अप्रैल में। बाकी कंपनियां भी बढ़ेगी क्योंकि सेक्टर अच्छा है, लेकिन सब कंपनी की कैपेसिटी बड़ा बनने की नहीं होती है, 100-200 साल टिकने की नहीं होती है। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला, उन्होंने टाइटन में बढ़िया काम किया, हमें उनसे कुछ चीज सीखनी चाहिए। वो इस कंपनी के 8 करोड़ शेयर होल्ड करते थे 2007 से पहले, अंदाजित 10% होल्डिंग टाइटन में उनका था, 8 करोड़ शेयर 2007 से पहले। उन्होंने कुछ 10 लाख नए शेयर ऐड किए 2007 में 50 रुपए के आसपास, 80 रुपए तक रैली हुई। आप कह सकते थे वाव भाई आपका तो पैसा डबल हो गया, तो करोड़ों में फायदा हुआ होगा, आपको बेच देना चाहिए, बहुत लोगों ने सीख दी थी इनको, नहीं बेचे। 80 वाला शेयर 33 आ गया, आपने बोला होगा देखा शेयर बाजार तो क्या है,
गिरता है, कोई भरोसा नहीं रखना चाहिए शेयर बाजार पे, आपका पैसा आधा हो गया कि नहीं? राकेश भाई ने आपकी नहीं सुनी, उनका 700 करोड़ 300 करोड़ हो चुका था इस फॉल में। मीडिया में भी वही बातें चल रही थी कि उन्होंने कितना नुकसान किया, मीडिया भी क्या बताती थी, 400 करोड़ का भयंकर नुकसान राकेश को उन्होंने क्यों बुक नहीं किया था। अगर वो बेचते तो 400 करोड़ का लॉस नहीं होता, लेकिन दोस्तों हर इन्वेस्टर की अपनी स्टाइल होती है, वो थोड़ी ना आपकी सुनेगा। उन्होंने और बाय किए उस मंदी में, जब लोग कह रहे थे बेचने चाहिए थे, उन्होंने और ऐड किए। उन्होंने अब भी जस्ट प्रॉफिट बुक किया, 125 करोड़ शेयर इन्होंने बेचे जस्ट पिछले जून में। एंड माइंड इट, जब उन्होंने ये 125 करोड़ शेयर बेचे, वैल्यूएशन अंदाजित 7000 करोड़ का उनका टाइटन में बन चुका था। तो कितना बढ़िया वेल्थ क्रिएट किया दोस्तों। पेशेंस चाहिए, यही पेशेंस अगर हम रखेंगे तो जरूरी नहीं आपके पास कितना रुपया है, आप जरूर पैसा बनाएंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लोग क्या कहे, ग्रोइंग कंपनीज लो, क्वालिटी कंपनीज लो, पेशेंस रखो, वेल्थ लंबे समय में बनने ही वाली है दोस्तों। टाटा और तमिलनाडु इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो प्रमोटर है इस कंपनी की, उनका अंदाजित 53% स्टेक है, आधा आधा, वाइल 19% स्टेक अभी भी FII का है, 10% म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज लेके रखे हुए है, 7% स्टेक अभी भी राकेश भाई झुंझुनवाला और उनके परिवार का है, राइट फ्रेंड्स। तो यही बातें कुछ थी प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से। मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी काम किया हुआ है। मैं सौरभ, शायद मेरे हिसाब से, जस्ट एक मिनट, ये शीट किसने बनाई थी, पुना के संदीप वागले ने ये शीट बनाई हुई है, यस, ये पुना के संदीप वागले ने ये एक्सेल शीट बनाई थी जिसका चित्रांकन रूप मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों। उनकी शीट मैंने ऑलरेडी नीचे लिंक में रखी हुई है, आप लिंक को क्लिक करके उनकी शीट तक पहुंच सकते हो, और ये पूरा प्रेजेंटेशन भी मैंने लिंक में रखा हुआ है। डिस्क्लोजर बता दूं, किसी की बात पे विश्वास रख के कोई भी शेयर मत खरीदो, मेरी भी नहीं, खुद रिसर्च करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ। अहमदाबाद में वर्कशॉप है, प्रैक्टिकल वर्कशॉप 3 पूरे दिन का, जिसमें सिखाया जाएगा ये पूरा रिसर्च फंडामेंटली और टेक्निकली कैसे किया जा सकता है। तो दोस्तों दिसंबर 13, 14, 15 फुल डे वी आर इन अहमदाबाद, यस वी आर गोइंग टू मीट, और राजकोट में रिजल्ट अपडेट मीट होगी 1 दिसंबर को सुबह 9:59 को। तो ये दो मीट प्लान है, गुजरात में राजकोट, बड़ौदा, सूरत में वर्कशॉप नहीं होगा, चारों शहर के लिए हमने अहमदाबाद में प्लान किया गया है। यू ऑल आर वेलकम अहमदाबाद। So thank you very much my dear friends and best of luck to everyone.